શ્રી અપણા કોટી કોટી દંડ પ્રણામ. આપ પરમ પૂજ્ય એકસો વિશાલ બાવાશ્રી તૃતીય ગ્રુપ ગ્રુપ પાવન પરંપરામાં મહાપ્રભુજીનો 17મી પેઢીમાં છો. આપ શ્રી વિઠ્ઠલનાથજીના સ્વરૂપની સેવામાં ચિન્નેમાં કરી રહ્યા છો. આપનો સ્વભાવ ખૂબ સરળ છે અને આપ સેવા સુંદર સજાવટમાં વિશેષ રુચિ ધરાવો છો. હવે આપનું તો બહુ સુંદર, હવે તો એક પછી એક આપ ગ્રંથો ને વૈષ્ણવ આખા વલનું આ બધું બોલવાનો કઈ અર્થ જ નથી, જે બધા છે જ. અને આપ આ વર્ષે બે યાત્રા પણ કાઢી રહ્યા છે, અમે તો નહીં આવી શકે પણ ઇન્ડિયાના વૈષ્ણવ તો જોઈન થશે. અને આ તા યુટ્યુબ દ્વારા કે ફેસબુક દ્વારા જે વૈષ્ણવને જવું હોય તો જે જે શ્રીનો કોન્ટેક્ટ કરજો, અને નંબર તો કેજો તું આપી જવું હશે તો વૈષ્ણવને. તો આજના વચ્ચામુ તો પુથાત કરો શ્રી વલ્લભા દી સકી જે જે આપ શ્રી ગ્રુપમાં મૂકી કૃષ્ણાય શકો નમઃ. છો, એ ફ્લાયર હા, આપણે મારા ગ્રુપમાં મૂકી શકો છો જે જે શ્રી. જરૂર. શ્રી કૃષ્ણાય નમઃ. અત્યંત આનંદ की અનુભૂતિ हो रही है कि इतने समय के बाद, काफी लंबे अंतराय के बाद, अपन एक बार फिर से यहाँ पे जूम के माध्यम से सत्संग करने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो जूम, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जुड़े देश विदेश के सभी भगवतीय वैष्णवों का मैं विशाल बाबा भक्तिवर्धनी के दूसरे सत्र के पहले दिन में खूब खूब स्वागत करता हूँ। जिनके निमित्त अपन इस सत्संग सत्र का लाभ ले रहे हैं, ऐसे स्मिताबेन और श्रीनाथ जी वचनामृत से जुड़े अन्य सभी भगवतीय वैष्णवों को मैं विशेष रूप से बधाई व आशीर्वाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप सबके कठोर प्रयास और परिश्रम के कारण ही आज विश्व भर के वैष्णव ऑनलाइन सत्संग का लाभ ले पा रहे हैं। भक्तिवर्धनी के पिछले सत्र में अपन ने भक्ति के स्वरूप को समझने का प्रयास किया था कि भक्ति किसे कहते हैं। तो भक्ति के स्वरूप को समझाते हुए नारद जी नारद पंचरात्र में आज्ञा करते हैं कि महात्म ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वथोधिक स्नेहो भक्ति मुक्तिर प्रोक्तास्तया मुक्तिर्न चान्यथा। यानी भक्ति के मुख्य तीन लक्षण आपने बताए, जिसमें सबसे पहला लक्षण है कि महात्म ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ और सर्वतोधिक स्नेह जहां है वो भक्ति है। तो सबसे पहला लक्षण है महात्म ज्ञान। अपन को महात्म ज्ञान होना चाहिए कि अपने ठाकुर जी कौन हैं, या ठाकुर जी का क्या महात्म्य है, ठाकुर जी का क्या स्वरूप है। अपन को अपने घर में विराजते ठाकुर जी का तो ज्ञान होना ही चाहिए, लेकिन सिर्फ उतने अंश में महात्म ज्ञान होना चाहिए जो आपके प्रेम को, आपके भक्ति को बढ़ाने में सहायक बने। जरूरत से ज्यादा महात्म ज्ञान आपके प्रेम को खंडित कर देगा। एक लिमिट से ज्यादा अपन को महात्म ज्ञान नहीं होना चाहिए, सिर्फ उतने अंश में होना चाहिए कि जिससे आपका प्रेम और आपकी भक्ति ठाकुर जी में बढ़ सके। तो भक्ति की प्राथमिक अवस्था में ये इतना महात्म ज्ञान तो होना ही चाहिए कि ये भगवान है, इतना ज्ञान तो अपन को होना चाहिए। फिर भले धीरे धीरे स्नेह बढ़ते बढ़ते वो महात्म ज्ञान तिरोभूत हो जाए, वो चलेगा। लेकिन और ऐसा महात्म ज्ञान ही पुष्टि मार्ग की विशेषता है। इस बात का ज्ञान तो अपन सबको है भी और होना भी चाहिए कि अपने घर में विराजते ठाकुर जी कौन है, लेकिन सिर्फ उस हद तक होना चाहिए कि जिससे आप बाल भाव से उनकी सेवा कर सको। जरूरत से ज्यादा अगर आपको महात्मा ज्ञान हो गया तो आपका बाल भाव खंडित हो जाएगा, आप बाल भाव से उनकी सेवा नहीं कर पाओगे। इसलिए थोड़ा सा महात्मा ज्ञान तो अपन को होना ही चाहिए, पर केवल महात्मा ज्ञान से बात नहीं बनेगी। नारद जी आज्ञा करते हैं कि महात्मा ज्ञान पूरित सुदृढ़ और सर्वतोधिक स्नेह, यानी दृढ़ता भी होनी चाहिए महात्मा ज्ञान के साथ साथ, और आपको उसके साथ साथ सर्वतोधिक स्नेह भी होना चाहिए। सिर्फ महात्मा ज्ञान होगा, दृढ़ता और स्नेह नहीं होगा तो वो भी भक्ति नहीं है, या फिर दृढ़ता है स्नेह है पर महात्मा ज्ञान नहीं है तो ये भी भक्ति नहीं है, ये दोनों प्रकार भक्ति नहीं है। तो महात्मा ज्ञान पूरित दृढ़ता और साथ में साथ सर्वतोधिक स्नेह, ये तीनों का कॉम्बिनेशन जब बैठेगा तभी आप उसको भक्ति कह सकते हो। एक भी चीज इसमें से अगर घट जाएगी तो वो भक्ति का स्वरूप नहीं रहेगा, और इसका प्रमाण अपन को उपनिषद से मिलता है। उपनिषद आज्ञा करता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। मातृदेवो भव यानी उपनिषद यहां पे किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, मां के अंदर
संतान उत्पन्न करने की जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, वो शक्ति, वो सामर्थ्य परमात्मा की है। परमात्मा ने जिसको ये शक्ति दी है, अपन उस शक्ति को प्रणाम करते हैं। 10 महीने तक अपने उदर में किसी बालक को धारण करना, ये कोई सामान्य मनुष्य का सामर्थ्य नहीं है। ये सामर्थ्य उसी को, जिसके अंदर ये सामर्थ्य है ना, तो समझो परमात्मा ने जिसको ये सामर्थ्य दिया है, वही 10 महीने तक अपने उदर में बालक को धारण कर सकता है, सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता। तो अपन यहाँ पे माता के रूप में परमात्मा की उस शक्ति को प्रणाम करते हैं, व्यक्ति को प्रणाम नहीं करते। फिर आगे आज्ञा करते हैं, पितृदेवो भव। पितृदेवो भव यानी एक पिता को कभी भी ये अहंकार नहीं रखना चाहिए कि मेरी वजह से बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि किसी को उत्पन्न करने की शक्ति भी परमात्मा की है, किसी मनुष्य की नहीं है। परमात्मा ने उस व्यक्ति को वो शक्ति दी है तो वो संतान उत्पत्ति कर पा रहा है। नहीं तो बाकी आजकल आपको ऐसे बहुत से केसेस मिलेंगे कि जहां पे डॉक्टर सीधा बोल देता है, भाई आपके अंदर संतान उत्पन्न करने का सामर्थ्य नहीं है। तो किसी भी पुरुष को यहाँ पे ये अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैं संतान उत्पत्ति कर सकता हूं या मेरी वजह से संतान उत्पत्ति हो रही है। परमात्मा ने आपको वो शक्ति दी है, आपके अंदर वो सामर्थ्य दिया है जिस वजह से आप कर पा रहे हो, तो परमात्मा की उस शक्ति को अपन प्रणाम करते हैं पिता के रूप में। फिर तीसरी आज्ञा करता है आचार्य देवो भव। इस विश्व में कोई भी गुरु नहीं है, और कोई गुरु ये नहीं कह सकता कि इसको मैंने ज्ञान दिया है। अगर कोई कह रहा है ना कि इसको मैंने ज्ञान दिया है, तो वो झूठ बोल रहा है, या झूठ नहीं बोल रहा है, उसको खुद को अज्ञान है। क्योंकि एक गुरु वही कहला सकता है जिसकी खुद की कोई ज्ञान की संपदा हो। आज अगर आप लोग मेरे को गुरु स्थान अगर आप लोग मेरे को देते हो, तो यहाँ पे मैं ये चीज नहीं बोल सकता खुद के लिए कि मैं आप सबका गुरु हूं। एक वल्लभ कुल तरीके मेरे को बोलने का ये कोई अधिकार नहीं है कि मैं आप सबका गुरु हूं, क्योंकि मैं आज वल्लभ कुल तरीके आपको जो कुछ भी पढ़ा रहा हूं, पढ़ा चुका हूं, पढ़ा रहा हूं और आगे पढ़ाने वाला हूं, ये मैं खुद की मेरी ज्ञान की संपदा नहीं है, ये मेरा खुद का ज्ञान नहीं है। पिछले 15 पीढ़ी में, पिछले 500 550 साल में जो हमारे पूर्वज हमको बता गए, सिखा गए, वो मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूं। तो मैं बिल्कुल इस बात का घमंड नहीं कर सकता कि मैं गुरु हूं और मैं आप लोगों को ज्ञान दे रहा हूं। ज्ञान देने का कार्य ठाकुर जी का है। गुरु के रूप में अपन उस व्यक्ति को प्रणाम नहीं करते, परंतु उस परमात्मा को प्रणाम करते हैं, उस परमात्मा की गुरुत्व शक्ति को प्रणाम करते हैं कि ठाकुर जी कृपा से आज मेरे अंदर ये सामर्थ्य है कि मैं आपको 4 बातें बता सकूं। महाप्रभु जी कृपा से मेरे को उनके वंश में जन्म मिला, तो उस तरीके मैं आपको 4 बातें बता सकूं, तो वो महाप्रभु जी को मैं प्रणाम करूंगा, मैं ठाकुर जी को प्रणाम करूंगा। आपको व्यक्ति को देख के प्रणाम नहीं करना चाहिए। तो गुरु के रूप में अपन किसी व्यक्ति का आदर मान सम्मान नहीं करते, उस व्यक्ति के अंदर विराजमान जो परमात्मा की गुरुत्व शक्ति है उसको हम प्रणाम करते हैं, और उसी को प्रणाम करना चाहिए, व्यक्ति विशेष को प्रणाम नहीं करना चाहिए। तो इस विश्व का कोई भी व्यक्ति ना किसी को उत्पन्न कर सकता है, ना किसी का पोषण कर सकता है, ना ही किसी को मिटा सकता है। ये सारी शक्तियां परमात्मा की है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भाई किसी व्यक्ति विशेष की सेवा करना या उनका भजन करना भक्ति नहीं है। माँ की सेवा, पिता की सेवा, गुरु की सेवा, ये भक्ति में कब बदलेगी? जब आप इन तीनों को परमात्मा का दर्जा दोगे तब। व्यक्ति की अगर आप सेवा कर रहे हो, माँ के रूप में आप व्यक्ति की सेवा कर रहे हो या उस भाव से सेवा कर रहे हो, तो वो भक्ति में चेंज नहीं होगा। माँ की सेवा, पिता की सेवा और गुरु की सेवा भक्ति में कब बदलेगी? जब आप इनको परमात्मा के समान आप इनको स्थान दोगे, परमात्मा की सेवा समझकर जब आप इनकी सेवा करोगे, तब इनकी करी हुई सेवा भक्ति में बदल जाएगी। इस प्रकार से पिछले सत्र में अपन ने भक्ति के स्वरूप को समझने का प्रयास किया। अब यहाँ पे अपन इस ग्रंथ से जुड़ा जो वार्ता प्रसंग है उसको अपन थोड़ा सा देखेंगे कि श्री महाप्रभु जी ने भक्तिवर्धनी ग्रंथ की रचना विक्रम संवत 1552 1552 में पुरुषोत्तम जोशी के लिए करी थी। एक समय श्री महाप्रभु जी गुजरात के एक गांव में पधारे थे, तब वहां तालाब किनारे आप संध्या वंदन कर रहे थे, तो वहां पुरुषोत्तम जोशी आए और श्री महाप्रभु जी से उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज कर्म मार्ग बड़ा है या ज्ञान मार्ग बड़ा है? श्री महाप्रभु जी उत्तर देते हैं कि भाई जिसके मन में जो मार्ग दृढ़ है वही बड़ा है, जो जिस मार्ग का शिष्य है, जिसको जिस मार्ग में दृढ़ विश्वास है, उसके लिए वो मार्ग बड़ा। लेकिन मेरी मति अनुसार अगर देखा जाए तो भक्ति मार्ग सबसे बड़ा है,
क्योंकि भक्ति मार्ग के माध्यम से जीव सरलता से अपना उद्धार कर सकता है, कृतार्थ हो सकता है। ज्ञान के द्वारा भी उसका उद्धार होगा, कर्म मार्ग के द्वारा भी उद्धार होगा, लेकिन ये उद्धार थोड़ा कठिन है। आज के समय पे ज्ञान मार्ग के रास्ते से अपन आत्मकल्याण करें या कर्म मार्ग के रास्ते से आत्मकल्याण करें, ये थोड़ा कठिन है। इन दोनों से कंपैरेटिवली भक्ति मार्ग ज्यादा सरल है। तो पुरुषोत्तम जोशी ने भक्ति मार्ग के स्वरूप को जानने की इच्छा करी और श्री महाप्रभु जी ने भक्ति वर्धिनी ग्रंथ प्रकट किया। इस ग्रंथ में श्री महाप्रभु जी ने यही समझाया कि अपने घर में विराजते ठाकुर जी यानी पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने हर एक पुष्टि जीव के मन में बीज भाव स्थापित किया ही है, और इसी बीज भाव की प्रवृद्धि के उपाय महाप्रभु जी ने इस ग्रंथ में बताए। अपने अंदर विद्यमान जो बीज भाव है उसका पोषण कैसे करें, उसको कैसे बढ़ाएं, उसका उपाय महाप्रभु जी ने भक्तिवर्धिनी ग्रंथ में बताया। अब जो बात महाप्रभु जी ने भक्तिवर्धिनी में 11 श्लोकों के माध्यम से बताई है, उसी का संक्षिप्त रूप श्री गुसाई जी ने भावई अंकुरितम नाम के ग्रंथ में बताया। श्री गुसाई जी का ये ग्रंथ एक श्लोक का ग्रंथ है जिसका नाम भावई अंकुरितम है। जो बात महाप्रभु जी ने विस्तार से 11 श्लोकों में बताई है उसी को संक्षिप्त रूप से एक श्लोक में श्री गुसाई जी ने बताई है। ये एक श्लोक का विस्तार ही पूरा भक्तिवर्धनी है, और भक्तिवर्धनी को अगर आप समराइज करना चाहो एक श्लोक में तो वो भावई अंकुरितम। तो भावई अंकुरितम में आपसे लिखते हैं कि भावई अंकुरितम मई मृग दृशाम आकल्पमा संचितम प्रेमणा कंदलितम मनोरथ में शाखा क्षतय संभृतम लवलिये पल्लवितम मुदा कुसुमितम प्रत्याशया पुष्पितम लीलाभिफलितम भजे व्रजवनि श्रृंगार कल्पद्रुमम। इस श्लोक में श्री गोसाई जी ने भाव से लेकर व्यसन तक 7 अवस्थाएं बताई हैं। भाव प्रेम प्रणय स्नेह राग अनुराग व्यसनानी, ये 7 अवस्था। और इस भाव का कंपैरिजन श्री गुसाइन जी ने बीज की 7 अवस्था के साथ किया। जैसे भाव की 7 अवस्था है वैसे ही बीज की 7 अवस्था है। तो बीज की 7 अवस्था गुसाइन जी बताते हैं, अंकुर कंदल शाखा पल्लव कलिका प्रसून फलानी। तो जैसे भाव की 7 अवस्था वैसे ही बीज की 7 अवस्था। तो पुष्टि भक्ति में सबसे पहली अवस्था है बीज भाव। अब यहां सबसे पहले प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि अपन को पता कैसे चलेगा कि इस जीव में पुष्टि मार्गीय बीज है कि नहीं, इस जीव में भाव है कि नहीं, ये पता कैसे चलेगा। तो श्री महाप्रभु जी सुबोधनी जी में सर्वनिर्णय निबंध में आज्ञा करते हैं, कृपा परिज्ञानम च मार्ग रुच्या निश्चीयते। अर्थात भगवत कृपा के बिना पुष्टि मार्ग में रुचि संभव नहीं है। अगर किसी जीव को पुष्टि मार्ग में रुचि है, किसी भी प्रकार से अगर उसको रुचि है तो समझो उसके अंदर बीज है। आप कैसे रुचि को चेक करोगे? तो महाप्रभु जी के लिए उसके मन में क्या भाव है इससे आपको रुचि का पता चलेगा। महाप्रभु जी के लिए उसके मन में कोई आदर है या नहीं है, वल्लभ कुल के प्रति उसके मन में क्या भाव है, उसके मन में आदर है कि नहीं, पुष्टि मार्ग के आचार विचार उसको पसंद आ रहे हैं कि नहीं, पुष्टि मार्ग के आचार विचारों का पालन करने में उसकी रुचि है कि नहीं, पुष्टि मार्ग के सिद्धांतों पर चलने की उसकी रुचि है कि नहीं, ठाकुर जी की सेवा ठाकुर जी की कथा सत्संग वार्ता इत्यादि के वाचन में या पठन पाठन में उसकी रुचि है कि नहीं, पुष्टि मार्ग के वेशभूषा धारण करने में उसकी रुचि है कि नहीं, पुष्टि मार्ग के भाषा का प्रयोग करने में उसकी रुचि है कि नहीं, इन सब से इन सब लक्षणों से अपन को एक व्यक्ति की रुचि का पता चलता है कि इसको इस संप्रदाय में रुचि है कि नहीं। जिस व्यक्ति को एक के दो बार हाथ खासा करने में अगर जो जोर आता हो, वो टॉयलेट जाके क्या स्नान करेगा, ना क्या अपरस मेंटेन करेगा, ना क्या मेंढ से ठाकुर जी की सेवा करेगा। जो हाथ खासा नहीं कर सकता वो पूरा शरीर खासा करेगा। जो ठाकुर जी के लिए धोती बंडी साड़ी या चनिया चोली पहनने की अगर किसी की तैयारी नहीं हो, वो क्या ठाकुर जी की सेवा करेगा, ना आगे अमुक चीजें जब त्यागने में आएंगी ठाकुर जी के लिए वो क्या त्यागेगा। जिसको पुष्टि मार्ग के भाषा का प्रयोग करने में अगर जोर आता हो, वो क्या सत्संग करेगा, क्या कथा वार्ता करेगा।
उसको ठाकुर जी के हस्त में वेणु जी दर्शन नहीं देंगे, उसको ठाकुर जी के हस्त में फ्लूट ही दर्शन देंगे। और फ्लूट और वेणु जी में ना जमीन आसमान का फर्क है, कम से कम भाव पक्ष में तो जमीन आसमान का फर्क है। ठाकुर जी वेणुनाद कर रहे हैं ये बोलने के समय जो अपने मन में भाव उत्पन्न होता है, और उसी के साथ साथ देखो ठाकुर जी के हाथ में फ्लूट है, ठाकुर जी फ्लूट बजा रहे हैं, ये बोलने में जो भाव उत्पन्न होता है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो पुष्टि मार्ग के शब्द क्यों जरूरी है, पुष्टि मार्ग के आचार विचार क्यों जरूरी है, मेंड मर्यादा क्यों जरूरी है, क्योंकि उससे आपको रुचि का पता लगता है कि इस जीव को पुष्टि मार्ग में रुचि है कि नहीं, रुचि से बीज का पता चलता है कि इसके अंदर वो बीज है कि नहीं। अगर बीज नहीं होगा तो आप चाहे जितना प्रयास कर लो वो बीज का पोषण नहीं होगा, क्योंकि बीज ही नहीं है, वो व्यक्ति को आप संप्रदाय में लेकर नहीं आ सकते। लेकिन अगर बीज है तो उस इन लक्षणों के ऊपर से आप नक्की कर सकते हो कि इसके अंदर बीज है कि नहीं, और अगर बीज दिखाई देता है तो आप उसका पोषण करो, उसको ब्रह्म संबंध लिवाओ और आगे उसको सेवा, धीरे धीरे उसको सेवा सिखाओ कि जिससे उसके बीज का पोषण हो। तो भाव की सबसे पहली अवस्था है बीज की। आपने जमीन में एक बीज को गाड़ा तो सबसे भी उस बीज की सबसे पहली अवस्था है अंकुर की। किसी भी बीज को अंकुरित करने के लिए गर्मी जरूरी है। अभी 2-3 महीना में स्नान यात्रा आएगी, आप लोग सब अंकुरी भोग धरते हो ठाकुर जी को, अंकुरी भोग धरते हैं ना अपन स्नान यात्रा में, रथ यात्रा में, इन सब में विशेष अंकुरी भोग आती है ठाकुर जी को। तो वो अंकुरी को आप फोड़ते कैसे हो, अंकुर उसमें से निकलता कैसे है, आपको उसको ताप देना पड़ता है, आपको उसको गर्माहट देनी पड़ती है, ताप देना पड़ता है। जब आप ताप दोगे तब जाके वो बीज का पोषण होगा और उसमें से अंकुर फूटेंगे। ठीक इसी प्रकार से बीज भाव का पोषण कब होगा, जब आपके अंदर ताप होगा, आपके अंदर विरह ताप होना चाहिए, वो विरह ताप ही आपके अंदर रहे हुए बीज को पोषण करेगा और उसको फोड़ेगा और उसमें से अंकुर निकलेंगे। क्या आज अपन को ठाकुर जी या सेवा के विषय में किसी भी प्रकार का ताप है, आज अपने अंदर ताप नहीं है? बहुत कम ऐसे वैष्णव होंगे कि जिनके अंदर मेरे को वो ताप के दर्शन होते हैं, बाकी ज्यादातर वैष्णव के अंदर आज ताप नहीं है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, ठाकुर जी आज के समय वेणुनाद करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ के ना, आप लोग ठाकुर जी के श्रृंगार करके आप उनको वेणु जी धराते हो, आरसी दिखाते हो, तो ठाकुर जी आज भी वेणु धारण करते हैं, वेणुनाद करते हैं, आपको सुनाई दिया? कभी भी ठाकुर जी की वेणु सुनाई दी? नहीं दी। ठीक है, आपको कभी ताप हुआ इस चीज का कि हमको वेणु क्यों सुनाई नहीं देती, क्यों ठाकुर जी हमको वेणुनाद सुनाई नहीं देते? आपको ताप हुआ कभी इस बात का? एक आध बार कभी मन में किसी दिन विचार आ जाता होगा, अरे हमने तो कहीं संभड़ा तो नहीं केम ठाकुर जी हमने वेणुनाद नो श्रवण नहीं कराओ, तो एक आध दिवस कदा तमारा मन में भाव उत्पन्न थी जाए, बाकी नो ताप छे आपने, आपने ताप नहीं, आपड़ा बीज भाव ने छे ने ताप आपवानी जगह आपने फ्रीज में मुकी दीधु छे, फ्रीज ने हूँ तो कहीं डीप फ्रीज में मुकी दीधु छे आपने, इतना ठंडा भाव है। दूसरा उदाहरण देता हूं, आज ठाकुर जी आप लोगों के घर में कितने बरस से विराज रहे हैं? 5, 10, 15, 20, 25 साल से लगभग आप लोगों के घर में ठाकुर जी विराज रहे हैं। इतने वर्षों में ठाकुर जी आपसे एक भी शब्द बोले, बातचीत करी आपसे प्रत्यक्ष? नहीं करी। आपको उस बात का ताप है केम ठाकुर जी हमारी साथे बोलता नहीं, इस बात का ताप है अपन को? भाई आपके हस्बैंड दुकान से आए या ऑफिस से आए और आपसे बात नहीं करें, आपके बच्चे स्कूल कॉलेज या ऑफिस से आए और आपसे बात नहीं करें, तो आपको थोड़े टाइम में अखरेगा कि ये लोग मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे। हस्बैंड अगर बाहर से आए और घर के कोई मेंबर उनसे बात नहीं करें तो उनको अखरेगा, चलो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा मैक्सिमम, चलो एक आध दिन कोई एडजस्ट कर भी ले, दूसरे दिन तो अपने आप पूछने में आएगा कि भाई केम शू थयो, कि हमारी साथ कोई बात नहीं करता, कोई आपसे बात नहीं करे आपको अखरेगा। ठाकुर जी आपसे इतने साल से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको अखरता है?
कभी अपन ने इस बात का विचार भी किया है कि क्यों ठाकुर जी मुझसे बात नहीं करते? फोटो को देख के, एक फोटोग्राफ को देख के कभी आपके मन में भाव उत्पन्न नहीं होगा कि ये मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा? अपन को कभी दुख नहीं होगा कि क्या मारी साथ आ फोटो में जो व्यक्ति थे तो बोलतो नहीं? लेकिन व्यक्ति प्रत्यक्ष हो और आपसे बात नहीं करे तो आपको अखरेगा कि क्यों मेरे से बात नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं अपन ने अपने ठाकुर जी को चित्र या स्वरूप ही मान के रखा है, इसलिए अपन को अखरता नहीं, अपन को दुख नहीं होता कि ठाकुर जी फोटो क्या बोले, फोटो तो नथी ज बोलवाना ने। प्रत्यक्ष ठाकुर जी बिराजे ने नहीं बोले तो तमने अखर से, पण प्रत्यक्ष ठाकुर जी मारा घरे बिराजे छे एवो भाव कोने छे कि केटला वैष्णव ने छे आवो भाव? आपके घर में बिराजते ठाकुर जी प्रत्यक्ष रूप से आपके घर में विराज रहे हैं। अगर आपने पुष्ट कराए हैं तो वो प्रत्यक्ष साक्षात भगवान श्री कृष्ण आपके घर में विराज रहे हैं। ये भाव जब तक आपके अंदर दृढ़ नहीं होगा, आपको ताप नहीं होगा कि ये बात क्यों नहीं कर रहे। आपका ताप इसलिए नहीं क्योंकि आपने उनको मूर्ति ही माना है, फोटो ही माना है। जिनके यहाँ चित्र सेवा विराजती है उनको लगता है तो खाली फोटो की सेवा कर रहे हैं, जिनके स्वरूप विराज रहे उनको लगता है कि हम तो खाली मूर्ति की सेवा कर रहे हैं। प्रत्यक्ष ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, साक्षात श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। ये भाव अगर अपने अंदर होता तो आपको इस बात का दुख जरूर होता, ताप जरूर होता कि ठाकुर जी मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे। इतना ताप करो इन सब चीजों का कि ठाकुर जी को झक मार के आपसे बात करना पड़ेगा कि बोला अगर आप अब नेक्स्ट अगर आपने मेरे से बात नहीं करे ना तो मैं तो यही प्राणों को त्याग दूंगी। तब देखो कि ठाकुर जी कैसे बात नहीं करते, पर ऐसा ताप तो हो अपने को। ये सबसे पहली स्टेज है भाव की। बीज को अभी तक अपन ने ताप दे के उसको फोड़ा ही नहीं है, उसको संस्कारित ही नहीं किया है, तो आगे की अवस्था तो बहुत दूर की बात है। आज 25-25 साल हो गए, 30-30 साल हो गए ब्रह्म संबंध लेकर, अभी तक अपन स्टेज 1 में है। 7 कक्षाएं बताई ना मैंने, 7 स्टेजेस बताए भाव के और बीज के, 7 स्टेज। उसके सबसे पहले स्टेज में ही अपने को 30-40 साल हो गया, अपन पास ही नहीं हो रहे, केजी से आगे जा ही नहीं पा रहे अपन। और अपन फिर पीएचडी की बातें करेंगे, राज पंचाध्याय की सब बातें करेंगे, कहां से दिमाग में उतरेगा? उसकी अलौकिकता कहां से आपके दिमाग में बैठेगी? लौकिक बुद्धि ही जाएगी उसमें। तो इस प्रकार का ताप ही अपने अंदर रहे हुए बीज भाव को फोड़ता है, और जब वो फूटता है तो उसके अंदर से अंकुर निकलते हैं। तो ठीक ऐसे ही ठाकुर जी के लिए जब अपन को इस प्रकार का विरह ताप होता है तब अपन के अंदर प्रेम उत्पन्न होता है। जब तक आपको विरह ताप नहीं होगा तब तक अपन को ठाकुर जी के लिए बिना किसी कारण का स्नेह प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। आज अपन को ठाकुर जी से प्रेम है लेकिन उस प्रेम के पीछे कहीं ना कोई कोई कारण है। अकारण प्रेम अपन को ठाकुर जी में अभी तक हुआ नहीं है। आपके मर्जी का ठाकुर जी करते जाएंगे ना, आप जो इच्छा करो ठाकुर जी करते जाएंगे ना, तो आपको ठाकुर जी बहुत प्रिय लगेंगे, महाराज प्रभु तो बहु आला छे बने। और जैसे ही आप इच्छा करो और उससे विपरीत ठाकुर जी करने लगेंगे ना, तब मैं पूछूंगा कि आपको कितना प्रेम है ठाकुर जी से। तो विरह ताप जब तक अपने अंदर उत्पन्न नहीं होगा तब तक अलौकिक अकारण प्रेम ठाकुर जी के अंदर अपना उत्पन्न नहीं होगा। श्री गुसाइन जी आज्ञा करते हैं प्रेम की व्याख्या के विषय में कि आविर्भाव दिनेन येन गणितो हेतु स्तनीयानपि। जहां पे प्रेम उत्पन्न होने में कोई कारण नहीं हो लेकिन उसके बावजूद अगर आपके अंदर प्रेम उत्पन्न होता है तो उसको प्रेम कहते हैं। प्रेम उत्पन्न होने में जीने से जीना कारण भी, छोटे से छोटा कारण भी नहीं होना चाहिए और फिर भी आपको प्रेम है, इसको प्रेम कहते हैं। यही अलौकिक प्रेम है और यही बिना किसी कारण का प्रेम है। मैंने आप लोगों को शायद पहले भी एक दो बार एक गुजराती की एक कविता बताई थी। एक दोस्तों का ग्रुप होता है, एक दोस्त की सगाई नक्की हो जाती है, उसमें से सगाई करके वो अपने दोस्तों के ग्रुप में आता है और उसके दोस्त उससे पूछते हैं, भाई तेरे को लड़की में क्या पसंद आया जो तूने उससे सगाई करी? तो अपने दोस्तों को बताता है, बाप पासे बंगलो हतो, गाड़ी हती, वाड़ी हती,
એટલે યારો મને પસંદ એ લાડી હતી, તો વો લડકી ઉસકો કબ તક પ્રિય લગેગી, કબ તક ઉસકો ઉસકે અંદર પ્રેમ રહેગા, જબ તક ઉસકે પાસ બંગલો ગાડી ઓર વાડી યે જબ તક રહેગા ના તબ તક ઉસકો વો લડકી પસંદ આયેગી। जिस दिन ठाकुर जी नहीं करे उसके ससुर जी का दिवालिया निकल गया, अब उस लड़के को वो लड़की पसंद नहीं आएगी, क्योंकि प्रेम के पीछे कारण था, उसको लड़की से प्रेम नहीं था, लड़की की संपत्ति से प्रेम था। तो प्रेम तब तक ही टिकेगा जब तक संपत्ति है। ये तो लौकिक प्रेम है, ये अलौकिक प्रेम नहीं है। लेकिन आज अपना जो प्रेम है ठाकुर जी में, वो ऐसा लौकिक ही है, जहां जिस दिन वो कारण निवृत्त हो जाएगा ना, जिस वजह से आपको ठाकुर जी प्रिय है, उस दिन से आपको ठाकुर जी प्रिय नहीं लगेंगे, और आप चालू सेवा बंद करके ठाकुर जी को शोकेस में पधरा के रख दोगे। और ऐसे मैंने बहुत से उदाहरण देखे अपने यहां, बहुत से वैष्णव के ऐसे उदाहरण देखे। उपनिषद आज्ञा करता है, नवारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। ऐसे तो ये श्लोक बहुत लंबा है, मैं खाली एक पंक्ति का उदाहरण दूंगा। एक स्त्री को अपने पति से स्नेह क्यों है? क्योंकि वो उसका पति है। मेरा पति है तो मेरे को प्रिय है, पति के लिए पति प्रिय नहीं है। पति तो बहुत है इस दुनिया में, उसके सिवाय भी दूसरे बहुत से पति हैं, लेकिन उन सब में उसका स्नेह नहीं है। मेरा पति है इसलिए मेरे को प्रिय है, मेरा बच्चा है इसलिए मेरे को प्रिय है। बच्चे तो बहुत है दुनिया में, लेकिन हर किसी का बच्चा अपन को प्रिय नहीं होता। अपना बच्चा है इसलिए प्रिय होता है, चाहे वो कितना ही नालायक क्यों ना हो तब भी अपने को प्रिय होगा। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, मेरा पति है, मेरा घर है। अपने घर से दूसरे घर अच्छे होंगे, लेकिन फिर भी जो पसंदगी अपन को खुद के घर के लिए है, जितना अपन को अपना घर पसंद आता है, उतना दूसरे का नहीं आएगा। तो उपनिषद आज्ञा करता है कि मूल जो स्नेह है वो जीव को खुद के अंदर है, मूल जो प्रेम है वो खुद के अंदर है, खुद के सिवाय दूसरे सभी में कारण वाला स्नेह है, और खुद के अंदर जीव को बिना किसी कारण का स्नेह है। बाकी सबके अंदर, खुद से अलग सबके अंदर उसका सोपाधि स्नेह है, केवल खुद में जीव को निरुपाधि स्नेह है, बिना किसी उपाधि का स्नेह। बोल, आप खुद को पसंद करते हो कि नहीं? आप में से ऐसा कोई है जो खुद को पसंद नहीं करता, खुद से नफरत करता है? सुबह सुबह आप मुंह धोने जाओ, कांच में देख के कांच फोड़ने की इच्छा हो जाती है आपको? आप खुद को तो पसंद करते ही हो, अब क्यों पसंद करते हो? पति को क्यों पसंद करते हो? अपने पास कारण है। बच्चों को क्यों पसंद करते हो? अपने पास कारण है। घर को क्यों पसंद करते हो? कारण है। इनफैक्ट नहीं पसंदगी के भी कारण होंगे, क्यों नहीं पसंद है ये भी अपने पास कारण है। अरे सास ऐसी है इसलिए पसंद नहीं है, हस्बैंड ऐसा है इसलिए पसंद नहीं है, बच्चे नालायक हैं इसलिए पसंद नहीं है, बहू भी बेकार है इसलिए पसंद नहीं है। ये सारे कारण, हर चीज में अपने पास कारण है, खुद के लिए आपके पास क्या कारण है? आप खुद को जो पसंद करते हो उसके पीछे क्या कारण है? ऐसा स्नेह जब जीव को ठाकुर जी के प्रति हो जाएगा, उसको श्री गोसाई जी यहां पे प्रेम कहते हैं। जहां पे लिटरली ढूंढने जाओगे तब भी आपको कारण नहीं मिले, ऐसा जो अकारण स्नेह है, उसी को श्री गोसाई जी यहां पे प्रेम कह रहे हैं। तो ये प्रेम भाव की दूसरी अवस्था है, कि जब अपन अपने भाव को ताप देंगे, विरह ताप देंगे, तब उसमें से प्रेम फूट के निकलेगा, तब अपन को ठाकुर जी के लिए प्रेम उत्पन्न होगा। ये भाव की दूसरी अवस्था है। तीसरी अवस्था श्री गोसाई जी बताते हैं कि जैसे एक बीज में कंदल निकलने के बाद उसमें से अब तीसरी अवस्था डालियां निकलती है, तो ऐसे ही प्रेम प्रकट होने के बाद अब अपने मन में विविध प्रकार के मनोरथ उत्पन्न होंगे। जिस दिन आप लौकिक में देख लो, चलो लौकिकता से आप उसको समझने की कोशिश कर लो, कि अगर आपको किसी व्यक्ति से प्रेम है, तो प्रेम अपने अंदर उत्पन्न होने के बाद अपने अंदर विविध प्रकार के मनोरथ उत्पन्न होते हैं। अब ठाकुर जी को अपन भक्त मनोरथ पूरक कहते हैं। ठाकुर जी कैसे हैं? तो भक्त मनोरथ पूरक हैं, भक्तों के मनोरथ पूरे करते हैं। अब भक्त को तो लौकिक मनोरथ भी होते हैं, अलौकिक मनोरथ भी होते हैं। अब बोलो ठाकुर जी क्या पूरा करेंगे बैठ के?
हर वो मनोरथ जो आपके प्रेम को बढ़ाने में सहायक बने, ठाकुर जी ऐसे मनोरथ पूरे करेंगे। हर वो मनोरथ जिससे आपका बीज भाव खंडित होता हो, आपका प्रेम खंडित होता हो, ठाकुर जी ऐसे मनोरथ नहीं पूरे करेंगे। चाहे आप कितने ही आप हाथ पैर जोड़ लो, कितने ही आप जप पाठ कर लो, अगर उस मनोरथ से आपके भाव को खंडित होगा, आपका भाव की हानि होगी, ठाकुर जी ऐसे मनोरथ आपके पूरे नहीं करेंगे। लेकिन हर वो मनोरथ जिससे आपके भाव का पोषण होगा, आपका प्रेम और बढ़ेगा, ठाकुर जी ऐसे ही मनोरथ पूरे करेंगे। तो कल को चलकर कोई अलौकिक मनोरथ भी आपके अंदर उत्पन्न हो और ठाकुर जी अगर उसको पूरा नहीं करें तो बैठ के शिकायत मत करना ठाकुर जी, प्रभु आ तो अलौकिक मनोरथ हतो, तमे के मा मनोरथ पूरु नथी कर्यु मारू। तमारे समझी जवानो कि आनाथी कदाच तमारा भाव ने हानि थते एटले ठाकुर जी एने पूरो करवो नथी दीधो। અને અમુક વાર અમુક તમારા લૌકિકે પૂરા કરી દે છે ઠાકુરજી, તો લૌકિક અલૌકિક કા યહાં પે ફરક નહીં હૈ, યા કારણ નહીં હૈ, મૂળ કારણ હૈ આપકે ભાવ પક્ષ કા। કિસી મનોરથ સે આપકા ભાવ ખંડિત હોગા, ઠાકુરજી પૂરા નહીં કરેંગે। કિસી મનોરથ સે આપકે ભાવ કા પોષણ હોગા, ઠાકુરજી ઉસકો જરૂર પૂરા કરેંગે। તો યે ભાવ કી ઓર બીજ કી તીસરી અવસ્થા હૈ। अब चौथी अवस्था श्री गोसाइन जी बताते हैं, अब जैसे किसी बीज में डाली निकलने के बाद उसमें नेक्स्ट है उसमें पत्ते लगेंगे, ठीक ऐसे ही विविध प्रकार के मनोरथ उत्पन्न होने के बाद जीव को ठाकुर जी में स्नेह उत्पन्न होगा। पेलू प्रेम ने अहिया स्नेह सांभळवामां पर्यायवाची ज लागशे तमने, पण एक बे अवस्था ऊपरनी कक्षा छे। सुनने में आपको बहुत बार स्नेह प्रेम प्रियता राग अनुराग ये सब सुन के आपको एक दूसरे के पर्यायवाची लगेंगे, लेकिन ये अलग अलग स्टेज के हैं। ये प्रेम की ही अवस्था है लेकिन सात अलग अलग अवस्था है। तो चौथी अवस्था श्री गुसाइन जी यहाँ पे बताते हैं कि बीज में से जैसे डाली निकलने का पत्ते लगते हैं, ऐसे ही भाव जब चौथी अवस्था में पहुंचता है बीज भाव, तब जीव को स्नेह उत्पन्न होता है। और स्नेह उत्पन्न होने के बाद जीव को ठाकुर जी संबंधित सभी वस्तुएं प्रिय बनती जाती है। प्रेम और स्नेह का फर्क मैं आपको समझाता हूं, भले सुनने के लिए पर्यायवाची लगेगा लेकिन दोनों में थोड़ा फर्क है। प्रेम में क्या है कि हाँ हमको ठाकुर जी पसंद है, हमको ठाकुर जी की सेवा करनी है, हमको ठाकुर जी पसंद है, ये अपना प्रेम है। आप सबको ठाकुर जी प्रिय है कि नहीं, आपको पसंद है ठाकुर जी, ठीक है चलो। अब आपको ठाकुर जी में स्नेह है कि नहीं है, अब वो कैसे पता चलेगा प्रेम और स्नेह का डिफरेंस, कि जब ठाकुर जी संबंधित सभी वस्तु आपको भी प्रिय बनती जाएगी तब समझो कि आपको ठाकुर जी में स्नेह है। आज की अपनी कक्षा ऐसी है कि ठाकुर जी संबंधित सभी वस्तु अपन को प्रिय नहीं है। एक उदाहरण देता हूं, आप लोगों को आपके पसंद का महाप्रसाद मिले तो ज्यादा आनंद आएगा या कोई भी महाप्रसाद मिले तो आनंद आएगा? अब किसी को, मेरे जैसा कोई व्यक्ति हो उसको बैंगन से नफरत है, अब मेरे जैसे व्यक्ति को कोई दोना में बैंगन का भरता भी पकड़ा देना, भले ठाकुर जी का ही महाप्रसाद है, तो मेरे को पसंद नहीं आएगा कि अरे यार महाप्रसाद है, अब कुछ बोल भी नहीं सकते कर भी नहीं सकते, पर अब ये लेना ही पड़ेगा। अब उसकी जगह पे कोई आपको पनीर दे तो ओहो बे बे कटोरी आप जो बने। तो यानी आज भले अपन को ठाकुर जी प्रिय है लेकिन उनसे जुड़ी जो दूसरी वस्तु है अपन को अभी तक उतनी प्रिय नहीं हुई है। लेकिन जिस दिन आपका जो बीज भाव है वो चौथी अवस्था में पहुंचेगा, तब ठाकुर जी संबंधित जो दूसरी चीजें हैं वो भी अपन को प्रिय बनती जाएगी। उसका सबसे बड़ा प्रमाण है आप सबके घर में होती रसोई। आपके घर में जो रसोई होती है वो ठाकुर जी के टेस्ट के अनुसार होती है कि खुद के टेस्ट के अनुसार? अगर जो स्नेह होगा तो ठाकुर जी के टेस्ट के अनुसार आप खुद का टेस्ट चेंज कर लोगे, लेकिन अगर ठाकुर जी में खाली प्रेम है, बेसिक स्टार्टिंग कक्षा का प्रेम है, तो अपन को ठाकुर जी तो पसंद है पर उनसे संबंधित दूसरी वस्तु उतनी प्रिय नहीं लगेगी।
अब मैं तो जेंट्स लेडीज दोनों को पूछता हूं कि आपको अगर ड्रेस में और पैंटशर्ट में सेवा करने की आज्ञा मिल जाए तो ज्यादा आपको आनंद होगा, कि आपको साड़ी चेंज करके करने में आनंद ज्यादा आएगा, पैंटशर्ट को धोती बंडी में बदल के करने में ज्यादा आनंद आएगा? अब मैं तो, अगर हमारे साथ बैठक यात्रा में आने वाले वैष्णव भी अगर इसमें जुड़े हों या बाद में अगर सुनते हो, तो मैं तो उनसे पूछूंगा, भाई आपको बैठक जी में झारी चरण स्पर्श के लिए अगर वहां पे बोल दे ना ना, अहियाँ कोई अपरस करवानी जरूर नथी, आप तो आराम से गेस्ट हाउस से जो कपड़े पहनकर आते हैं उसी में जाके आप महाप्रभु जी के झारी चरण स्पर्श कर लो, तो अपन को ज्यादा कंफर्टेबल होगा कि नहीं होगा? अब उनको अच्छा लगेगा ना, हाँ बहुत सारे हो अहियाँ बैठक जी में खूब सरल छी दीजिए। तो यानी आज अपन को ठाकुर जी संबंधित दूसरी चीजें उतनी प्रिय नहीं है, लेकिन जिस दिन आपके अंदर स्नेह उत्पन्न होगा तो ठाकुर जी से जुड़ी जो दूसरी चीजें हैं ना, वो भी आपको प्रिय बनती जाएगी। भागवत जी में एक प्रसंग आता है, राधिका जी एक बार अपने सब सखियों के साथ बैठे होते हैं, राधिका जी एक बार अपने सब सखियों के साथ बैठे होते हैं, तो एक बात बोलते राधिका जी कि जोई जोई मोए भावे सोई सोई करे प्यारो। अब तो जितनी भी उनकी सखियां हैं वो सब एकदम एक्साइट हो जाती हैं, और एक्साइट होकर राधिका जी से पूछे, भाई ऐसा आपको क्या क्या पसंद है जो ठाकुर जी वही वही लीलाएं करते हैं? तो फिर राधिका जी वापस उत्तर देते कि जोई जोई करे प्यारो सोई सोई मोए भावे। ठाकुर जी मेरे को गाली दें तो भी पसंद है, ठाकुर जी प्रेम से बात करें तो भी पसंद है, ठाकुर जी अगर चिढ़ जाए तो भी मेरे को पसंद है, ठाकुर जी मेरे से झगड़ा करें तो भी मेरे को पसंद है, ठाकुर जी मुझसे बोले तो भी पसंद है, ठाकुर जी मुझसे नहीं बोले तो भी पसंद है। मेरे को ठाकुर जी किसी कंडीशन से पसंद नहीं है, मेरे को बस ठाकुर जी पसंद है और उनसे जुड़ी सभी चीज पसंद है। तुझे चाहूं तेरे चाहने वालों को भी चाहूं, ये स्नेह है। तो जिस दिन इस प्रकार का स्नेह आपके अंदर दृढ़ हो जाएगा ना, तो उस दिन अगर दिवाली जन्माष्टमी जैसे बड़े उत्सव में अगर ठाकुर जी आपको अटका दें, सेवा से वंचित रख दें, तब आप ठाकुर जी से शिकायत नहीं करोगे। ताप रखो, ताप तो जरूर होना चाहिए कि अरे अपनी आज उत्सव की सेवा छूटी, इस बात का ताप जरूर होना चाहिए, लेकिन शिकायत नहीं होनी चाहिए कि हे भगवान आपने ऐसा क्यों किया, ते आजेच के मने अटकाएवा, पाटोत्सव ना दिवसे के जन्माष्टमी ना दिवसे के दिवाड़ी ना दिवसे के अन्नकूट ना दिवसे के मैं अड़चन आई हुई। वो शिकायत जो अपने अंदर होती है ठाकुर जी के प्रति, वो शिकायत अपने अंदर नहीं होगी। ठाकुर जी कृपा से अपने जीवन में सब कुछ अच्छे से सिद्ध हो जाएगा, ये साधन अवस्था में निकले हुए शब्द है। लेकिन ठाकुर जी जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, ये फल अवस्था में निकले हुए शब्द है, ये स्नेह भाव है। ठाकुर जी सब अच्छा ही करेंगे, यानी यहाँ पे भी अपन को कहीं ना कहीं उम्मीद है कि ठाकुर जी सब अच्छा ही करें तो अच्छा, यानी अगर जो उससे विपरीत कर देंगे ना तो मजा नहीं आएगा अपन को। पर उसकी जगह पे अगर अपन शब्दों को चेंज कर दें कि ठाकुर जी जो भी करेंगे सो अच्छा ही विचार के करेंगे, ये भाव, ये स्नेह भाव में ही उत्पन्न होता है, तब आप ठाकुर जी की लीलाओं में ऊंच नीच की भावना नहीं देखोगे कि आ ठाकुर जी नी लीला ऊंची ने, आ ठाकुर जी नी लीला नीची, क्या आ उत्तम ने, आ उत्तम नथी, ये जो भेद दृष्टि है, ये भेद दृष्टि अपने अंदर से हट जाएगी, क्योंकि लीला करने वाले कौन है उनके ऊपर अपनी नजर है, लीला के ऊपर अपनी नजर नहीं है। भागवत सप्ताह में आप देखो, आप लोगों को अनुभव होगा, भागवत सप्ताह में सबसे ज्यादा भीड़ सातों दिन में से कौन से दिन होती है? लगभग या तो नंद महोत्सव पे आपको मिलेगी या तो फिर राज पंचाध्यायी के समय पे आपको मिलेगी। क्यों? बाकी की लीलाओं में भीड़ क्यों नहीं है? तब अपन खाली दोनों टाइम प्रसाद लेने जाते हैं। बाकी की लीलाएं किसकी है? अगर जो आप बे लीला ठाकुर जी नहीं छे तो बाकी नी लीला कौन है? नरसिंह जी एटले ठाकुर जी थी अलग थी गया, वामन जी एटले ठाकुर जी थी अलग थी गया। तो ये भेद दृष्टि जो अपने अंदर है, वो भेद दृष्टि जिस दिन स्नेह भाव अपने अंदर दृढ़ होगा, उस दिन ये भेद दृष्टि अपने अंदर से हट जाएगी। कौन सी लीला है ये मायने नहीं रखेगी, लीला करने वाले कौन है ये मायने रखता है,
और ठाकुर जी जो भी करें सो उत्तम है। ये भाव जिस दिन आपके अंदर दृढ़ हो गया तो समझो आप भाव की चौथी कक्षा में पहुंच गए और आपको ठाकुर जी में स्नेह उत्पन्न हो गया। अब बीज की पांचवी अवस्था है, जैसे पत्ते लगने के बाद उसमें कलियां निकलती है, सामान्य बीज में पत्ते लगने के बाद उसमें से कलियां निकलेगी, वैसे ही ठाकुर जी में प्रेम उत्पन्न होने के बाद, ठाकुर जी स्नेह उत्पन्न होने के बाद ठाकुर जी संबंधित सभी वस्तुओं में अपना राग उत्पन्न होगा। राग यानी संस्कृत व्याकरण के अनुसार राग शब्द का अर्थ है रंजनम राग, जिससे आपके मन का रंजन हो, जिससे आपके मन को प्रसन्नता हो वो राग। और उसी से शब्द हिंदी में आया मनोरंजन। मनोरंजन यानी क्या कि जो देखकर आपको एंटरटेनिंग लगे, जो देखकर आपको प्रसन्नता होती है वो मनोरंजन। तो जब जिस दिन आपको ये राग उत्पन्न हो जाएगा ठाकुर जी में, तब आपके मन की प्रसन्नता सेवा या सेवा संबंधित विषयों से ही होगी, अन्य विषयों से अब आपका मन प्रसन्न नहीं होगा। आज अपनी परिस्थिति कैसी है कि बाहर की वस्तुओं से अपना मन प्रसन्न होता है, लौकिक वस्तुओं से अपना मन प्रसन्न होता है। इनफैक्ट मैं तो कितने वैष्णव को देखा कि अमुक उत्सव वगैरह करके आते हैं, ऐसा हाश करके लेट जाते हैं, क्या हाश आज बहु सेवा थी गई। यानी अब माइंड चेंज करने के लिए अब उनको बाहर जाना पड़ेगा, या कुछ घूमने फिरने जाना पड़ेगा, या टीवी देखना पड़ेगा, या कुछ और करना पड़ेगा। यानी मन की प्रसन्नता सेवा से नहीं है, इनफैक्ट सेवा से थोड़ा माइंड चेंज करने के लिए अपन बाहर जाते हैं और मन को प्रसन्न करते हैं। आज अपने एकदम ऑपोजिट परिस्थिति है। लेकिन जिस दिन आपके अंदर सेवा को लेकर राग उत्पन्न होगा, या फिर आप भाव की पांचवी कक्षा में पहुंचोगे, तब आपका मन सिर्फ और सिर्फ सेवा संबंधित विषयों से ही प्रसन्न होगा। इनफैक्ट सेवा से विपरीत की चीजों में ना आपको मजा नहीं आएगा। आप अगर धारो कि कभी ऐसी परिस्थिति हुई कि ठाकुर जी को छोड़कर आपको कहीं बाहर गाम जाना पड़ा, और बाहर गाम जाने में आपको बहुत मजा आया, अरे खूब आपने एंजॉय किया, एंजॉय करके आप वापिस आए, तो समझ जाओ कि अभी तक आपको ठाकुर जी में राग उत्पन्न नहीं हुआ है। लेकिन आप ठाकुर जी को छोड़कर गए और आपको बाहर बिल्कुल मजा नहीं आया, चाहे व्यवस्था कितनी ही बढ़िया क्यों नहीं थी, तब भी आपको बाहर बिल्कुल मजा नहीं आया, और ठाकुर जी में आने के बाद आपको एक हाश का अनुभव हुआ, तो समझो कि आपके अंदर राग उत्पन्न हुआ। उनके देखे से यूं आ जाती है चेहरे पर रौनक, उनके देखे से यूं आ जाती है चेहरे पर रौनक, वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। ठाकुर जी को देखकर अगर आपके चेहरे पर रौनक आ जाए, तो समझो अगर आप बीमार भी होगे ना, तो भी कम से कम उनके दर्शन करके आपको लगेगा कि नहीं, मैं एकदम स्वस्थ हूं, मैं आराम से इनकी सेवा कर सकता हूं। आज अपनी जो ये परिस्थिति है ना, ये किसको है, खास करके इंडिया में, फॉरेन के वैष्णव में तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन इंडिया में ये परिस्थिति किसको देखकर होती है, काम वाली बाइयों को देखकर। काम वाली बाई को देखकर जो आज इंडियन हाउस वाइफ या हाउस हस्बैंड इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि हाश आ गई, नहीं अब सब कर लेगा। अगर जो नहीं आएगी ना, तो उस दिन देखना, उस दिन उनका मूड देखना, दोनों पति पत्नी का मूड खराब होगा। क्यों? क्योंकि आज बाई नहीं आई। और जिस दिन बाई आ जाते, उस दिन आपके अंदर एक अलग प्रकार की प्रसन्नता, आपके चेहरे पर रौनक ही अलग होगी। तो आपके जीवन में भाई, आपके जीवन में अनेक प्रकार के दुख होंगे, असंख्य दुखों से अपन सब पीड़ित तो होंगे, लेकिन जिनको देखकर ये सारे दुख दूर हो जाते हैं, अथवा तो अपन ये सारे दुखों को भूल जाते हैं, वो राग। तो अगर ठाकुर जी को देखकर या सेवा संबंधित विषयों को देखकर अगर आप प्रसन्न हो जाते हो, तो समझो कि आपका भाव राग की अवस्था में पहुंच गया है, और इसका प्रमाण आपको दया भवैया की वार्ता में देखने मिलेगा। दया भवैया की वार्ता में दया भवैया अरे वो राजा को भवई ने प्रसन्न करने के लिए सारे प्रकार कर लिए, लेकिन वो राजा प्रसन्न हुआ नहीं। वो जो कर सकता था उसने सब कुछ किया, अलग अलग प्रकार के भवई उसने किया, अलग अलग प्रकार के वेशभूषा धारण करी राजा को प्रसन्न करने के लिए, पर राजा बिल्कुल प्रसन्न नहीं हुआ। फिर उसको बाद में किसी व्यक्ति ने बताया होगा कि भाई ये राजा वैष्णव है, तुम वैष्णव वेश धारण करो।
और जैसे ही उसने वैष्णव वेश धारण किया, राजा प्रसन्न हो गया। तो राजा के मन की प्रसन्नता लौकिक विषयों से थी कि अलौकिक विषयों से? तो जब आपका मन सेवा संबंधित विषयों से प्रसन्न होने लगे, ठाकुर जी से आपका मन प्रसन्न होने लगे, तो समझो आप भाव की पांचवी अवस्था में पहुंच गए हो। अंकुट करना है ये, अगर आपके मन में प्रेशर की तरह अगर जो काम कर रहे ना, तो समझो अभी तक राग उत्पन्न नहीं हुआ। और यो अंकुट करना है, अंकुट करना, अंकुट, काफी सारे वैष्णव को तो इतना हेडेक की तरह लगता है अंकुट करना। और जिस दिन अंकुट उनका हो जाता है, उस दिन आप पूछ रहे उनको कितना हास लगता होगा, उनको लगेगा गंगा नहाए। अब 10 महीने बाद वापस है, अंकुट का टेंशन लेंगे। अगर जो अंकुट बड़े बड़े उत्सवों पे अगर आप टेंशन में आ जाते, अरे सेवा नो क्रम वधि जैसे कि सामग्री नो क्रम वधि जैसे, तो समझो अभी तक अपन को राग उत्पन्न नहीं हुआ। एक सामग्री ज्यादा हुई नहीं कि अपने पसीने छूट जाएं, तो समझो अपना राग उत्पन्न नहीं हुआ। भारी श्रृंगार में अगर जो आपके पसीने छूट जाएं, तो अभी तक सेवा में अपना राग उत्पन्न नहीं हुआ। अरे इतना करना पड़ेगा क्या? अब तो कितने सारे वैष्णव मेरे को सामने से बोलते कि जे जे आप मने ओछा मा ओछी सेवा पधराओ जो। तो उसी से मालूम पड़ जाता है कि सामने वाले को सेवा में या ठाकुर जी में कितना राग है। अब बीच की छठी अवस्था में श्री गुसाई जी आज्ञा करते हैं कि जैसे एक कली खिलकर फूल का रूप लेती है, बीज की छठी अवस्था है कि कली खिलकर फूल का रूप लेती है, ऐसे ही ठाकुर जी में अपना राग खिलकर अनुराग का रूप ले लेगा। अब प्रश्न यह है कि राग और अनुराग में क्या फर्क है? राग में तो केवल आपके मन का रंजन होता है, आपका मन प्रसन्न होता है। अनुराग में उसी विषय के पीछे जब आपका मन लग जाए, वो अनुराग है। जब आपको ठाकुर जी या सेवा संबंधित विषयों का क्रेज आपके अंदर हो और उसी के पीछे आपका मन दौड़ता हो, केवल साधारण पसंदगी नहीं है, आप उसके पीछे आप भी दौड़ते हो, तो समझो कि आपको अनुराग है। और मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। कुछ ऐसे लोग होंगे कि जिनको बाहर घूमना फिरना खाना पीना पसंद है, उनको अच्छा लगता है कि भाई टाइम टू टाइम अपन कभी कहीं घूमने जाएं, फिरने जाएं, खाने जाएं, पीने जाएं, अपने अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उससे आपका मन प्रसन्न होता है। अब कुछ कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको बाहर घूमने फिरने का क्रेज है, बाहर खाने पीने का क्रेज है, संडे को अगर किसी को बाहर खाने नहीं मिला तो एकदम मूड ऑफ हो जाता है उनका। तो ये अनुराग है। जब आपको अमुक विषयों के लिए जरूरत से ज्यादा क्रेज होता है ना, तो वो अनुराग है। तो ऐसे ही ठाकुर जी संबंधित विषयों में राग होना, मन प्रसन्न होना, ये तो साधारण राग की अवस्था है, लेकिन आपका मन भी उसी के पीछे दौड़ता रहे, वो अनुराग है। और भाव की इस अवस्था में जीव के मन में आशा बंधती है। छठी अवस्था में अपने मन में आशा बंधती है कि बस अब अपने को फल मिलने ही वाला है, ठाकुर जी फलदान करने ही वाले हैं। ये छठी अवस्था अनुराग की। तो जहां पे केवल भगवान से या भगवान संबंधित विषयों से या भगवत कार्य के पीछे जब आपका मन दौड़ता है और उसी से आपके मन का रंजन होता है, वो आपका अनुराग, ये आपके भाव की छठी अवस्था है। और उस बीज की अंतिम अवस्था का वर्णन श्री गोसाई जी करते हैं कि जैसे एक बीज की अंतिम अवस्था फल है, वैसे ही भाव की अंतिम अवस्था व्यसन है। ठाकुर जी में जो अपना अनुराग है, जब वो और दृढ़ होता है, तब जीव व्यसन अवस्था में पहुंचता है। व्यसन एटले, व्यसन शब्द का सामान्य अर्थ बनेगा तद विना स्थातुम अशक्ति, यानी जिसके बिना आप नहीं रह सकते, जिसके बिना आप नहीं जी सकते, ऐसी अशक्ति का नाम व्यसन है। कोई अगर ड्रग्स के लिए एडिक्टेड होगा तो वो ड्रग्स के बिना नहीं रह सकता, उसको ड्रग्स का व्यसन है। कोई शराबी व्यक्ति है तो वो शराब के बिना नहीं रह सकता, उसको शराब का व्यसन है। अगर उसको आप शराब नहीं दोगे ना, तो उसकी हालत एकदम मरने जैसी हो जाएगी, उसको व्यसन कहते हैं। श्रीमद् भागवत में अपन को व्यसन शब्द का एक बहुत सुंदर अर्थ मिलता है। एक बार पृथ्वी गाय का रूप लेके ब्रह्मा जी के पास जाती है,
और ब्रह्मा जी को वो अपने ऊपर होते सारे अत्याचार का पूरा वृतांत बताते कि भाई मेरे ऊपर पृथ्वी के ऊपर कितने सारे अत्याचार हो रहे हैं। तो उसके सुबोध निधि में श्री महाप्रभु जी लिखते हैं कि अप्रतिकार दुखम व्यसनम, यानी जिस दुख का कोई प्रतिकार नहीं कर सकते, यानी अपन शब्दों का रूप नहीं दे सकते कि भाई मने केटलू दुख थाय छे, तमे जारे शब्दों थी नहीं समझावी शको ने कि मने केटलू दुख थाय छे, एवा दुख नो नाम श्री महाप्रभु जी कहे छे कि अहींया व्यसन छे। कि जिस यानी दुख इतना दुख है, इतना ज्यादा आपको दुख है कि उस दुख को आप समझा नहीं पा रहे हो, या फिर उस दुख का आप वर्णन नहीं कर पा रहे हो कि मेरे को कितना दुख है, उसको व्यसन कहते हैं। तो ये अप्रतिकार दुख का जो मापदंड है ना, वो एक मापदंड श्री महाप्रभु जी ने रास पंचाध्याय के सुबोधनी जी में दिया है कि अप्रतिकार दुख किसको कहते हैं। रास पंचाध्याय में श्री महाप्रभु जी लिखते हैं कि ठाकुर जी के वेणुनाद करने के बाद अमुक ऐसी गोपियां थी जो चंद्र सरोवर दौड़ के नहीं जा पाए, घर में रह गए, उनको घर वालों ने अटका दिए, नहीं जाने दिया। ऐसे गोपियों को अपने यहाँ पे अंतर्ग्रहगता गोपी कहते हैं। अब ऐसे गोपियों को इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ, रास भाई स्वयं ठाकुर जी वेणुनाद करके आवाहन कर रहे हैं, एक एक गोपी को नाम लेकर ठाकुर जी चंद्र सरोवर जब बुला रहे हैं, और अमुक गोपियां जो नहीं जा पाए, तो इस बात का उनको इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ। तो श्री महाप्रभु जी सुबोधनी जी में समझाते हैं कि करोड़ों ब्रह्म कल्पों तक कुंभी पाक जैसे नरक में पड़े रहने में जितना दुख होता है ना, उतना दुख उन अंतर्गर्भगता गोपियों को हुआ। अभी करोड़ों ब्रह्म कल्पों तक यानी कितना वर्ष थे, મારે ખ્યાલથી હું પહેલા પણ કહી ચુક્યો છું આપણા ગ્રુપમાં, પણ છતાંય હું હજી થોડું ક્લેરિફાઈ કરી દઉં છું। કલયુગ કે આપકે 4,32,000 વર્ષ, દ્વાપર કે 8,64,000 વર્ષ, 8,64,000, ત્રેતા કે 12,96,000 વર્ષ, 12,96,000, ઓર સતયુગ કે 17,28,000 વર્ષ, 17,28,000 યર્સ। ઇન ચારો કો આપ ટોટલ કરો, चारों को टोटल करोगे तो आपका टोटल आएगा 43,20,000 ईयर्स। इसको एक चतुर्युगी बोलते हैं। भगवत गीता में कृष्ण अपन को अर्जुन को समझाते हैं कि जब 1,000 चतुर्युगी निकलती है, यानी 43,20,000 × 1,000, 1,000 चतुर्युगी जब निकलती है तब एक कल्प बनता है। वो एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन है, और इतनी ही अवधि ब्रह्मा जी की रात्रि की भी है, तब जाके ब्रह्मा जी के 24 घंटे पूरे होते हैं। ब्रह्मा जी के 24 कलाक क्यारे पूरा थाय छे कि जारे आवा बे कल्प थाय छे। बे कल्प एटले 2,000 चतुर्युगी, अने एक चतुर्युगी 43,20,000 ईयर्स। इतने वर्षों तक, अब ये एक कल्प की गणना है, ऐसे करोड़ों ब्रह्म कल्पों तक, वो एक दिवस नहीं करोड़ों दिवस जारे आवा बीते, क्या बीते, कुंभी पाक जेवा नरक मा, कुंभी पाक जैसे नरक में इतने वर्षों तक अगर आप रहो तो। अभी कुंभी पाक नरक मालूम है कैसा नरक है? कुंभी पाक में क्या होता है, कभी आपको अगर कुंभी पाक ठाकुर जी नहीं करें कि अपने को देखना पड़े, पर आपको कुंभी पाक में समझा था। कुंभी पाक में क्या करते हैं कि वहां पे आपके आपका जो शरीर है उसकी जो साइज है ना, उस साइज की कढ़ाई होती है, और उस कढ़ाई में आपको तला जाता है। अपन के भूतल पे किए गए जो अपराध हैं, अमुक दोष हैं, उन दोषों की निवृत्ति के लिए तला जाता है आपको। आप लोग किसको खास तलते हैं मालूम है? खाने पीने में जो घोटाला करते हैं ना, जितने भी लोग खाने पीने में घोटाला करते हैं ना, उनको ये सजा मिलती है सबसे ज्यादा। तो अगर आप में से कोई वैष्णव जो रेस्टोरेंट चलाते हो या कोई आउटलेट चलाते हो ना, तो खाने पीने में घोटाला नहीं करना, जिसमें जितनी जो मिलावट है बता देना कि इसमें इतनी मिलावट है, ये है वो है, घोटाला नहीं करना खाने पीने में, नहीं तो आपको कुंभी पाक नरक आपको जाना पड़ेगा। तो करोड़ों ब्रह्म कल्पों तक अगर कुंभी पाक जैसे नरक में अगर आप रहे, आपको रोज अगर करोड़ों वर्षों तक आपको रोज अगर तला जाएगा, कितना दुख होगा आपको। ऐसे दुख को श्री महाप्रभु जी लिखते हैं कि अप्रतिकार दुखम। ठाकुर जी से दूर होने पे या ठाकुर जी की सेवा छूटने पे जब आपको इतना दुख हो जितना इन अंतर्ग्रहगता गोपियों को हुआ,
तब समझो कि आपको ठाकुर जी के लिए व्यसन हुआ। तद विना स्थातुम अशक्ति, अवे ठाकुर जी वगर माराती रेवा तू नथी। ठाकुर जी बिना अगर आपकी ऐसी हालत हो जाए, महीने में 3 दिन अगर आपको अड़चन होती हो, तो अड़चन में अगर आपकी ये हालत हो जाए, तब समझो कि आपको ठाकुर जी के लिए व्यसन सिद्ध हुआ। और ऐसा व्यसन अपने वार्ता साहित्य में गज्जन धावन को हुआ था। अक्का जी ने गज्जन धावन को खाली पान लाने के लिए बाहर भेज दिया, और वो भी नवनीत प्रिया जी के लिए ही लाना था, लौकिक काम से भी नहीं भेजा, लेकिन सेवा के लिए ही उनको पान लाने के लिए बाहर भेज दिया। उसी में गज्जन धावन की हालत ऐसी हो गई कि वो नवनीत प्रिया जी को छोड़ के पान भी नहीं लेकर आ सके। ये व्यसन अवस्था है। तो जीव की अब ये व्यसन अवस्था आपकी जब और दृढ़ होती है, यानी ये तो व्यसन की आरंभ दशा है, अभी तो आप व्यसन में पूरी तरह से गए नहीं हो, ये तो शुरुआत की अवस्था है। ये व्यसन अवस्था जब और दृढ़ बनती है आपकी, तब श्री गोसाई जी श्लोक के अंत में लिखते हैं, श्रृंगार कल्पद्रुमम, यानी भगवान श्रृंगार रस के कल्पद्रुम है। कल्पद्रुम यानी एक ऐसा पेड़ जिसके नीचे बैठकर आप जो मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। तो व्यसन की परिपक्व अवस्था में, जब आपका व्यसन और दृढ़ हो जाए, व्यसन की परिपक्व अवस्था में भगवान समस्त लीलाओं सहित उस भक्त के हृदय में विराजमान हो जाते हैं, और फिर भक्तों को उसकी इच्छा अनुसार सारे मनोरथों के दर्शन करवाते हैं, सारे स्वरूपों के दर्शन कराते हैं और सारे अनुभव कराते हैं। आप जो इच्छा करो, इस अवस्था में पहुंचने के बाद, व्यसन अवस्था दृढ़ होने के बाद, आप जो इच्छा करो ठाकुर जी आपकी वो इच्छा पूरी करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान श्रृंगार रस के कल्पद्रुम बन जाते हैं। सकल रस सहित जब ठाकुर जी आपके हृदय में विराजमान हो जाएं, तब आप जो मनोरथ ठाकुर जी के आगे व्यक्त करो, सो ठाकुर जी आपके उस मनोरथ को पूरा करेंगे। और इसी अवस्था को अपने यहाँ पे दूसरे शब्दों में मानसी कहते हैं। पुष्टि मार्ग की सेवा, आज के समय जो अपन सेवा कर रहे हैं, ये साधन सेवा है। साधन सेवा भगवत आधीना है। आज ठाकुर जी के अधीन रहकर अपन सेवा करते हैं, अपन अपनी मर्जी से सेवा नहीं करते। लेकिन जो मानसी सेवा है वो भक्ताधीना है। ठाकुर जी आपके अनुसार आपको अनुभव कराएंगे। ठाकुर जी खुद आपसे पूछेंगे, बोला तेरे को क्या इच्छा, आज मैं किस प्रकार के तेरे को दर्शन दो। जब ठाकुर जी जीव के अंतकरण में विराजमान हो जाते हैं और उसकी सर्व इच्छा अनुसार उसके सर्व मनोरथ पूरे करते हैं, वो मानसी है। खुद ही को करके बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बोल तेरी रजा क्या है। आप ठाकुर जी को मंगला कराने जाओ, मंगला में ही ठाकुर जी आपसे पूछ लेंगे, बोल भाई आज तारी शु इच्छा छे, आज हूं केवा वस्त्र धारण करूं, आज केवा श्रृंगार धारण करूं, आज हूं पल्ला मां बेसू, इंडोला मां बेसू, डोल मां बेसू, कि तारा खोड़ा मां आवीने बेसी जाओ, बोल आज शु करूं। ठाकुर जी खुद आपसे पूछेंगे, और आप जैसे इच्छा प्रकट करोगे ठाकुर जी आपको वैसे अनुभव कराएंगे, वैसे लीला के दर्शन कराएंगे और वैसे स्वरूप के भी आपको दर्शन कराएंगे जैसे आप इच्छा करो। तो ये आपकी व्यसन की सर्वाधिक अवस्था है, ये आपके भाव की सर्वाधिक अवस्था है। जैसे बीज का अंतिम लक्ष्य फल है, अंतिम अवस्था फल है, ऐसे ही भाव की जो अंतिम अवस्था है वो व्यसन है। इसी को श्रृंगार कल्पद्रुमम श्री गोसाई जी आज्ञा करते हैं। तो कैसे अपना भाव दृढ़ होते होते पहले प्रेम, फिर आसक्ति, फिर व्यसन और अंत में मानसी तक पहुंचता है, उसी का उपाय और उसी का प्रकार श्री महाप्रभु जी ने इस ग्रंथ में विस्तार से समझाया है। भक्ति वर्धनी के अनुसार अगर आप सारे साधन करोगे, तो आपका भाव भी धीरे धीरे बढ़कर पहले प्रेम, फिर आसक्ति, व्यसन और व्यसन के बाद मानसी तक जरूर पहुंचेगा। अब यहाँ पे श्री महाप्रभु जी प्रथम श्लोक का आरंभ करते हुए लिखते हैं कि यथा भक्ति प्रवृद्धा स्यात् तथोपाय निरूप्यते, बीज भावे दृढ़े तुस्या त्यागा श्रवण कीर्तना। श्री महाप्रभु जी लिखते हैं कि यथा भक्ति प्रवृद्धा, प्रवृद्धा यानी, या महाप्रभु जी ने सिर्फ वृद्धा शब्द का प्रयोग नहीं किया, वृद्धा यानी वधु बढ़ना,
प्रवृद्धा यानी प्रकृष्टता से बढ़ना, सारी रीते साधारण रीते तमारो भाव वधे एना उपाय आ ग्रंथ में नथी, सारी रीते दृढ़ता थी तमारो भाव वधे एना उपाय श्री महाप्रभु जी आ ग्रंथ में लख्या छे। तो जिन साधनों से आपकी भक्ति प्रकृष्टता से दृढ़ होगी, आगे बढ़ेगी, उसके उपाय इस ग्रंथ में श्री महाप्रभु जी ने बताया। लेकिन यहाँ पर श्री गोकुलनाथ जी एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि शास्त्र में जोवा जाओ, वेदों में जुओ, उपनिषद में जुओ, के पुराणों में तमें अगर जो जुआ जाओ, तो भक्ति के उत्पत्ति और वृद्धि के प्रकार ऑलरेडी बताए गए हैं। शास्त्रों तमें अगर जो वाचन करसो ने, तो एमा तमने ऑलरेडी भक्ति केवी रीते उत्पन्न थाय छे, भक्ति केवी रीते वधे छे, एना उपाय शास्त्र में जनावेला छे, ऑलरेडी जनावेला छे। तो पछी महाप्रभु जी अहीं अधिक परिश्रम लईने आ ग्रंथ प्रगट करवानी शु आवश्यकता हती? श्री गोकुलनाथ जी यहाँ पे अपन को एक उदाहरण दे रहे हैं कि गीता के 18वें अध्याय में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। भगवान ने अर्जुन को लक्षण बता दिए कि मारी भक्ति नो अधिकारी कौन छे। तो भगवान ने अमुक लक्षण कीधा छे, एमां कौन कौन से लक्षण है? तो सबसे पहला लक्षण है ब्रह्म भूत, जिसने शास्त्र के अध्ययन के द्वारा ब्रह्म के स्वरूप को जान लिया है, पहचान लिया है, ऐसे जीव को ब्रह्म भूत बोलेंगे। वेदों का अध्ययन किया, उपनिषद का अध्ययन किया, श्रुति स्मृति शास्त्र इत्यादि के अध्ययन करने के बाद जिसने ब्रह्म के स्वरूप को जान लिया है, मैंने बद्दू ज्ञान थी कि उसे के परमात्मा स्वरूप शू है, ऐसे जीव को ब्रह्म भूत कहते। तो सबसे पहला लक्षण है ब्रह्म भूत। फिर दूसरा प्रसन्न आत्मा। प्रसन्न आत्मा यानी जे अंदर थी जे प्रसन्न छे, जे शांत छे, शांत चित्त वाला व्यक्ति, प्रसन्न चित्त, प्रसन्न मन वाला व्यक्ति, वो दूसरा लक्षण है। फिर तीसरा न शोचती न कांक्षती, ऐसा जीव जो ना किसी वस्तु का शोक करता है, ना किसी वस्तु की आकांक्षा रखता है, कोई इच्छा नहीं, उसके मन में कोई दुख नहीं, कोई शोक नहीं, कोई शिकायत नहीं है, उसको किसी चीज की कोई अपेक्षा नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है उसके मन में, एकदम स्थिर जो व्यक्ति रहता है वो उसका तीसरा लक्षण है, न शोचती न कांक्षती। फिर आता है समस्त सर्वेशु भूतेषु, इस विश्व में जितने भी प्राणी हैं, प्राणी मात्र के लिए जो समान भाव रखता है, चाहे वो वैष्णव हो या नहीं हो, भगवान में मानता हो या नहीं हो, इंसान हो, जानवर हो, किसी भी प्रकार का जीव हो, प्राणी मात्र में जो समान बुद्धि रखता है, अपनी तरह नहीं, आ फलाना दूधघर वाला वैष्णव छे, आ अनसखड़ी वाला वैष्णव छे, आ सखड़ी वाला वैष्णव छे, आ नागरी वाला वैष्णव छे, इस प्रकार से भेद बुद्धि रखे बिना जो प्राणी मात्र के लिए समान बुद्धि रखता है। वैष्णव के तो पाछे गुरु घर में भी भेद है, आ तो तमारा घर गुरु घर थी पधाई रहा छे, आ तो तमारा गुरु घर थी पधाई रहा छे, तमे अमने साचवो, अमे शा माटे करिए। तो भक्ति कौन उत्पन्न कर सकते है, या भक्ति का अधिकारी कौन है? जो समस्त सर्वेशु भूतेषु, प्राणी मात्र के लिए समभाव रखता है, समान बुद्धि रखता है, ऐसे जीव जो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समस्त सर्वेशु भूतेषु, ये चार लक्षण जिस जीव के अंदर है, भगवान कहते हैं कि मद भक्ति लभते पराम, मेरी पराभक्ति का वो अधिकारी बनता है, वो मेरी पराभक्ति को प्राप्त करता है। तो गोकुलनाथ जी आज्ञा करते हैं कि इस प्रकार से शास्त्र में ऑलरेडी भक्ति की उत्पत्ति और वृद्धि के उपाय बता चुके हैं, भगवान खुद बता चुके हैं, तो महाप्रभु जी को अलग से भक्ति वर्धिनी ग्रंथ की रचना क्यों करनी पड़ी? तो खुलासा करते हुए श्री गोकुलनाथ जी टीका में आज्ञा करते हैं कि शास्त्र में जितने भी भक्ति की उत्पत्ति और वृद्धि के उपाय बताए गए हैं वो जनरल भक्ति के लिए हैं। मर्यादा भक्ति भी आ गई, पुष्टि भक्ति भी आ गई, लेकिन जनरली भक्ति के लिए बताया गया। स्पेसिफिक पुष्टि भक्ति किस प्रकार से डेवलप करनी चाहिए, स्पेसिफिक प्रेम लक्षणा भक्ति को हम किस प्रकार से डेवलप करें, भाव को किस प्रकार से डेवलप करें, उसके उपाय अलग से शास्त्र में नहीं थे। शास्त्रों में से ही छान छान कर श्री महाप्रभु जी ने पुष्टि भक्ति को दृढ़ करने के उपाय इस ग्रंथ में बताए हैं।
आप शास्त्र का अध्ययन करने जाओगे आपको ये समझ में नहीं आएगा कि भगवान ने आ गया मर्यादा भक्तों माटे छे कि पुष्टि भक्तों माटे छे। गीता जी अपना त्या मान्य छे कि नथी? पुष्टि मार्ग में भगवत गीता मान्य छे बराबर। अबे पुष्टि मार्ग नी बाहर ना लोगों पण गीता ने माने छे कि नथी मानता? ये लोगों पण माने छे ने आपणे पण मानिए छे। अबे गीता जी में 6 अध्याय भक्ति ना पण छे। अब ये मर्यादा भक्ति ना छे कि पुष्टि भक्ति ना छे बोलो? हवे तमे भेद केवी रीते करशो? कारण के एमां भगवाने जनरली भक्ति नी चर्चा करी छे, एमां मर्यादा पण आवी गई, एमां पुष्टि पण आवी गई। हवे आपणो एटलो सामर्थ्य छे कि आपणे डायरेक्ट गीता ने आपणे खोलीए तो आपणने खबर पड़ी जाय कि आ भगवानी आज्ञा मर्यादा भक्तो माटे छे, आ भगवानी आज्ञा पुष्टि भक्तो माटे छे। तमने एटली खबर पड़ी जाय छे? एमां तमे भागवत जी लई लो, ભાગવત જીમાં પણ ભક્તિની ઉત્પત્તિ અને વૃદ્ધિના ઉપાય ઘણી જગ્યાએ ઘણા મહાપુરુષોએ અને સ્વયં ભગવાને પણ કીધા છે, ઉદ્ધવજીને પણ ભગવાન સ્પેસિફિક ઉપદેશ આપ્યો છે। હવે એમાંથી તમને એટલી એટલું આપણું સામર્થ્ય છે કે આપણને ખબર પડી જાય કે આ આજ્ઞા મર્યાદા ભક્તો માટે છે, આ આજ્ઞા પુષ્ટિ ભક્તો માટે છે। तो वो समझ अपने अंदर नहीं होने के कारण महाप्रभु जी ने इन सब शास्त्रों में से छान छान कर मर्यादा भक्ति को अलग करके पुष्टि भक्ति को दृढ़ करने के जितने भी उपाय हैं उन उपाय की चर्चा भक्ति वर्धनी में करी। और उसी की चर्चा करते हुए श्री महाप्रभु जी लिखते हैं कि यथा भक्ति प्रवृद्धा स्यात् तथोपाय निरूप्यते, बीज भावे दृढ़े तस्या त्यागा श्रवण कीर्तना। श्री महाप्रभु जी लिखते हैं कि बीज भाव को दृढ़ करने के उपाय मैं इस श्लोक में और आगे इस ग्रंथ में बताऊंगा। अब यहां सबसे पहला प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि बीज भाव यानी क्या? बीज भाव एटले सो आपणे हमना पण चर्चा करी गया बीज भाव नी। बीज भाव एटले सो श्री महाप्रभु जी आज्ञा करी रह्या छे कि तमे आवती काले आवजो, आवती कालना सत्र में हूँ तमने समझावीश के बीज भाव एटले सो। तो बीज भाव ने समझवा माटे आपणे आवती काले भेगा थशुं। तो अहीं सुधी जो कोई वैष्णव ने कहीं डाउट हो, कहीं नहीं समझ पड़ती हो तो मने तमे डाउट पूछी सको छो। किसी को अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। आगे के जो श्लोक की चर्चा है वो हम कल के सत्र में करेंगे। वैष्णव कई क्वेश्चन हो आ लगतो जे 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 आज समझ एनोज लगतो हो तो हाथ ऊंचो करो एक एक करीने खोली आप। બધાય ખાલી હાથ ઊંચા કરીને પ્રશ્ન પૂછજો, આવાજ ઊંચી કરીને પૂછતા નહીં। ચાલો તો અગર કોઈને કોઈ ડાઉટ નહીં હોય તો પછી આપણે કાલે મળીએ। આશ્રય ઉપર લેવું છે કે અમે લઈ આપશે આ તમે લો ને, ગાવાનું કામ મારું નથી। હા વૈષ્ણવ ને હું ખોલું આપણે દંડવટ પણ હા।